अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ग्राम एचआर पे नए तो काली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम अपडेट बर वक्त मौज सके। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मेरी कोशिश होती है रिएक्शन शॉर्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। आपके इतने सारे मैसेजेस आए और ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे मैसेजेस आप लोगों ने किए और आप लोगों ने मुझे याद रखा इतने दिनों के ब्रेक के बावजूद, तो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा दीदी के हवाले से। इन्होंने एक रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुझे देखिए बुरी बात लगती है, हमेशा जो सेल्फ हार्म अगर आप किसी चीज़ पर पहुंचाते हैं या आप सुसाइड की बात करते हैं या ऐसी कोई चीज़ें बातें करते हैं तो ये सबसे गलत बात है। आपको सेल्फ हार्म जो है वो कभी भी इंसान को किसी भी हालत में किसी भी वक्त पर नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि दीदी के जो अपने जो है मेंटल कंडीशन है, जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं या जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह से वो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इंसान बहुत डिप्रेशन में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचाएं और आप ऐसी कोई हरकत करें जिससे दूसरे लोग जो हैं इन्फ्लुएंस हों। आप मैंने यही बोला है कि अकबर फैमिली में तकरीबन तमाम लोग ही, इनके तमाम बच्चे ही जो है वो ऐसे अटैम्प्ट कर चुके हैं, चाहे नीनू बाबर और ये दीदी जो है ये भी हाथ जला के जो है अपना आ गए। सबसे बहुत बुरी बात है, आपको बिल्कुल जो है वो यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। आपका चैनल वैसे ही डाउन है, बहुत लो है और बहुत नीचे से नीचे जाया जा रहा है। और आप यकीन कीजिए, अगर इस पर कोई रिपोर्ट्स मारे आपकी चीज़ पर जो आप 2-3 दिनों से रिएक्शन दे रहे हैं, तो ट्रस्ट में फिर आप का चैनल वैनल जितने आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप ऐसा ना करें। ज़्यादा कम्युनिटीज़ की बात है तो हाँ ये बात है कि बहुत हेल्पफुल रहे हैं दीदी और वो कम्युनिटीज़ लगाते हैं और मैं भी कम्युनिटी लगाई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ बिल्कुल बगैर किसी मुआवजे के वो कम्युनिटीज़ लगाते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं दिलबर सामने, तो वो तो आप खुद ही जो है लोगों को मौका आपने दिया है अपने पर उंगली उठाने का। अच्छा, आपको ये कहना था इनके रिएक्शन में कि ये पैसों का वेट कर रहे हैं, तो मेरे भाई पैसों का वेट तो आप कराची में बैठ के कर सकते हैं। आजकल इतना आसान है पैसे पैसों का लेन देन ट्रांसफ़र। मैं इंडियन दोस्तों को पता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इजीली जो है पैसा मंगवा सकते हैं। एक तो बैंक्स हैं सबसे आसान तरीका, फिर वेस्टर्न यूनियन है, फिर जैज़ कैश है, ईजी पैसा है, तो इतने सारे तरीके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसे क्या चल के आ रहे हैं कि वो पंजाब से अगर कराची तक चल के आएंगे तो सफ़र ज़्यादा हो जाएगा और आप पंजाब से पंजाब में ही चलेंगे तो सफ़र कम हो जाएगा। तो पैसों के पाँव थोड़ी हैं, पैसे आपको यकीनन किसी उसके सपोर्ट सिस्टम के थ्रू मिलने हैं, तो पैसे के लिए आप वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मुझे ये वाली बात जो है ना ये मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही है। अब अगर किसी के पल्ले पड़ रही है तो वो ज़रूर बताए। अच्छा, तो पैसों की यहाँ मैं आपके ये जो आपका रीज़न है मैं ये वैलिड नहीं समझती हूँ। फिर आपने कहा कि आपकी और फातिमा की लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से आप निकल के आ गए थे, तो भाई अगर आपकी लड़ाई भी हुई है अपनी बीवी से तो बेहतर यही होता है कि मामला चार दीवारी के अंदर रहे मियाँ बीवी की लड़ाई का, और किसी भी सूरत में आपको अपना घर नहीं छोड़ के आना चाहिए। अच्छा देखें, यही चीज़ अगर औरत करे, अगर फातिमा आपसे लड़ झगड़ के जो है वो बच्चे छोड़ के चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये आपकी बात, ये वाला रीज़न भी मुझे कुछ आपका समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं कि आप उस बहन की हेल्प कर रहे हैं, उनके कम जो है वॉश टाइम रह गए हैं, उनका जो भी मसला है डिवोर्स का, जो भी वो खवातीन हैं मुझे तो वो ठीक नहीं लगती हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप किसी के रोज़ी रिस्क के लिए आप क्यों अपनी चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं जबकि आपके साथ तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपके साथ तो 3 बच्चों का साथ है, अली का और दूसरी जो फातिमा और दुआ है उनका साथ है, फादिया है, तो आपके साथ तो 4 लोग अटैच हैं। अब दूसरी बात, आपके वालिद की भी आप जो माली मामलत करते हैं, माली मदद करते होंगे यकीनन, वो भी अकबर जो है वो कोई काम नहीं करते, तो आपके साथ तो ये 4-5 लोग जुड़े हैं दीदी। तो आप इन 4-5 लोगों का सोचें ना, आपको सब बता रहे हैं, सपोर्टर्स कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सपोर्टर्स जो है वो मेरे पीछे लगते हैं, सपोर्टर्स आपके पीछे नहीं लगते, आपको भलाई की बात करते हैं। आपके पास कम से कम 5 लोग जो है वो आपसे जुड़े हैं,
और इन 5 लोगों को छोड़ के आप अपनी किसी एक सिस्टर की मदद कर रहे हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई आपका ये रीज़न जो है ना, मुझे बिल्कुल आपका समझ नहीं आया कि आप इन 5 लोगों को छोड़ के सिर्फ एक के पीछे जो है वो कैसे आप सब चीज़ें छोड़ छाड़ के जो है वो वहाँ बैठ सकते हैं, पैसे भी आपके पास बैंक के थ्रू आ सकते हैं। फिर इन्होंने बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ वगैरह भी बताई अपनी, तो ये भी ऐसा कोई मसला नहीं है ट्रैवलिंग इशू में, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का क्या लेना देना आपके ट्रैवलिंग इश्यूज से, तो ये वाली बात भी जो है ना मुझे समझ नहीं आई। बाकी नींद की दवाई भी इन्होंने बताई, एल्प जो है नींद की दवाई लेते हैं, हाँ कभी इंसान डिप्रेशन में जो है वो नींद की दवाइयाँ ले लेता है खा लेता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे बेहतर ये कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। फिर मैंने एक रील भी देखी, आप तस्बीह पकड़ के जो है रील बना रहे, तो इससे बेहतर ये भाई आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नींद आपको खुद ही आ जाएगी, अल्लाह ताला जो है वो आप पे बड़ी मदद करेगा। और चैनल के हालात जो आप बता रहे हैं डाउन हुए हैं, तो वो भी मैं यही कहूँगी कि आपकी अपनी ही चीज़ों की वजह से चैनल के जो हैं वो आप लोगों के ये हालात हैं। कंट्रोवर्सी हर एक हद तक कंट्रोवर्सीज अच्छी लगती हैं, एक हद तक हर चीज़ अच्छी लगती है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया जब से आपकी ये जो न्यू सिस्टर्स आई हैं ना मार्केट में, तो ये जब से आपके चैनल जो है ना वो डाउन पर डाउन होता जा रहा है। और आप फिर ये भी कह रहे हैं अगर बच्चे ना होते तो मैं अपने आप को मार लेता, वो ही सुसाइड की जो बातें हैं ये बिल्कुल जो है वो अच्छी नहीं है। फिर आप कह रहे हैं आप में हिम्मत और ताकत ही नहीं है व्लॉग बनाने की, आप देखिए रिएक्शन आप दें कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप ये वाली बात ना करें कि व्लॉग बनाने की हिम्मत और ताकत नहीं है। व्लॉग आप किसी और रीज़न से नहीं बना रहे, आपकी हेल्थ कंडीशन कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही है जो आपको व्लॉग बनाने की जो है वो इजाज़त ना दे, या थोड़ा बहुत डेली रूटीन दिखाने की जो है वो इजाज़त ना दे। अब आप ये बार बार कह रहे हैं कि आप जो है मुल्तान जाएंगे, आपने कहा कि नौशीन के हस्बैंड से मिलने जाएंगे, आप तो यहाँ पे भी तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना भाई, तो जब आप यहाँ तक ट्रैवलिंग करने की डॉक्टर आपको इजाज़त दे रहा है, कराची में तक ट्रैवलिंग करने की डॉक्टर आपको इजाज़त दे रहा, तो ये कौन सा डॉक्टर है भाई, ये आप हमें भी बताएं ऐसी बातें। और फिर आपने बार बार एक चीज़ कोशिश की जान लेने की, बातें जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप रोए हैं, मुझे काफ़ी दुख हुआ, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, लेकिन आपने जो जो रीजंस दिए हैं वो किसी तरह ये रीजंस जो हैं मुझे वैलिड नहीं लगते। अब हम दूसरी बात करते हैं, वक्कार फैमिली एक्सपोज्ड, बहुत बुरी तरीके से जो है ये फैमिली एक्सपोज हो गई है। अच्छा किस तरह से एक्सपोज हो गया कि इनकी वालदा और वालिद जो हैं आपस में इनकी तलाक हुई हुई है, और उसके बावजूद ये एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, बड़ी बहुत ही गलत बात है इस्लाम में और पाकिस्तान में। तो क्या किसी भी मैं कहती हूँ मज़हब में चाहे वो हिंदुइज्म भी हो, यहाँ पे भी जब डिवोर्स हो जाती है तो एक छत के नीचे मियाँ बीवी नहीं रहते हैं, मियाँ बीवी जो हैं वो फिर अलग अलग रहते हैं। तो ये फैमिली जो इस तरह से एक्सपोज हुई, अच्छा जिस बंदे ने एक्सपोज किया उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ये एक्सपोज हुई है, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को के हक में नहीं बात करूँगी, जाहिर सी बात है बीइंग अ मुस्लिम मैं इसके अगेंस्ट ही बात करूँगी। डिवोर्स के बाद भी एक घर में एक छत के नीचे रहना ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर ये अंडर एज की बहुत बात आ रही है, देखिए अंडर एज की जब अलिशबा की बात आई थी तो तब भी मैंने कहा था वो कहीं से अंडर एज नहीं लगती। अच्छा इस बच्ची की जो मैं देख रही हूँ काठी वाठी, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तक मुझे इसकी उम्र जो है वो समझ नहीं आ रही, लेकिन जब अब जब अलिशबा ने फेस रिवील किया तो आप मुझे बताएं कहीं से भी वो लड़की अंडर एज लग रही है आपको? बिल्कुल भी जो है वो अंडर एज नहीं लग रही है, जब उसका फेस रिवील हुआ वो आराम से 18-19 साल की लड़की लग रही है, अब अगर आप अलिशबा को देखें। अच्छा जहाँ तक ये फारूक की बेटी की बात है, ये फातिमा है शायद बच्ची का नाम, तो ये अगर अंडर एज है तो मैं सितारा से यही कहूँगी एज अ सपोर्टर सितारा की कि सितारा आप फिर इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने चैनल से ये शादी का कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपके दुश्मन हज़ारों हैं, दोस्त जो है ना वो चंद ही हैं जो आपके हक में बात करेंगे। आप इतनी दफ़ा जो है वो चैनल वैसे ही मुश्किलों में आ चुका है सितारा का, तो
ऐसा ना हो कि कोई मजीद मामला खराब हो। अगर तो बच्ची अंडर एज है तो फिर आप इस शादी को थंबनेल लगाते हुए बहुत एहतियात करें, और शादी को जो है वो कैप्चर करते हुए अपने चैनल पर दिखाते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों सांप है सितारा आपको डसने के लिए, कोई एक नहीं। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर आप एहतियात कीजिए, बाकी आपको समझदार है। अच्छा, ये चाचा जो है ये मुझे समझ नहीं आते, ये आप कुछ भी कहें, मैं इस बंदे को सितारा का मुखलिस नहीं समझती। बहुत सारे लोग इनकी फेवर में भी बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती। रिएक्शन इन्होंने दिया, चले दिया, हर बार सलमा सितारा का इशू ये बंदा लेकर आता है। ये अपने भाई की हसद में इस कदर गिरफ्तार हो चुके हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद की इस कदर गिरफ्तार हो चुके हैं कि ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अपनी ख़ानदान की बातें ला रहे हैं बीच में, बहुत अपनी जो बहू बेटियों की इज्जतें ख़राब कर रहे हैं या कुछ, इनको कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा या नज्जो ये सब मैं सितारा की बिल्कुल मैं ये नहीं समझती कि इनकी दोस्त की फहरिस्त में या इनके खैर ख्वाह ये लोग हैं नज्जो और चाचा। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये बताते हैं कि गुलाम मोहम्मद की तीसरी बेटी, अच्छा ये मैंने नज्जो के रिएक्शन में भी देखा था, अजीब अजीब बातें वो कर रही थी कि भाई तीसरी बहन है वो, उसके वो उसकी तो आवाज़ ही ऐसी नहीं है, वो तो चश्मा लगाती है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले उन्होंने कि कल परसों की मैं बात कर रही हूँ, मैंने उनका पूरा रिएक्शन देखा, पहले वो कहती थी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, फिर कहती है आयशा की उससे मुलाकात है, फिर ये बात आ रहा है कि उनका भी एक इनकी जो तीसरी बहन है जहरा उनका भी कोई चैनल है जिससे वो हेटर है और ये सारी बातें करती हैं। तो अभी कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनका भी यकीनन कोई ना कोई चैनल होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, ये मैं चाचा की इसमें कुछ बात करूंगी कि हर चीज़ में आपको ज़रूरत नहीं है वो कंट्रोवर्सी लाने की जिसकी अभी कोई इतनी चर्चा नहीं हो रही और ना इतनी बात हो रही है। आप हर बात में, आपके हर दूसरे तीसरे दिन बाद आपकी हर व्लॉग में सितारा बेटी से डीएनए मांग रहे हैं, यार ये क्या कोई अच्छी बात है या ये कोई फ़ख्र की बात है? आप उस बच्ची का नाम क्यों बीच में लाते हैं हर बात पर, डीएनए मांग रहे हैं। अब आप मतलब बस करें, आपको क्या मतलब पता नहीं है कि डीएनए क्यों मांगा जाता है, किस लिए मांगा जाता है? आप रियाज अब्बासी को भी बीच में उठा के ले आते हैं, और फिर सलमा सितारा के टॉपिक को ले आते हैं, एक चीज़ बंद हो चुकी है, अभी वो चीज़ नहीं जो है वो मंजर आम पर आ रही है, अभी लोग उस पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, अभी आपको रिएक्शन देना भी नहीं आ रहा ना, अभी टॉपिक कुछ और है, आप रिएक्शन किसी और बात पर दे रहे हैं। सलमा बेटी, सितारा बेटी, सलमा सितारा ने इल्ज़ाम लगा, सलमा ने सितारा पर इल्ज़ाम लगाया, ये बात ख़त्म हो चुकी है, बात चली गई है, अब आगे बढ़े दूसरी चीज़ों पे आप रिएक्शन दें अगर आपको रिएक्शन ही देना है तो। पर आप उन बातों पे क्यों, फिर आप ये धमकियां किसको देते हैं कि फिर मेरे पास भी चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, ये अभी तस्वीरों की बात नहीं चल रही है। तो इसी तरह जो है कि इस तरह से बातें करते रहते हैं, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि सितारा के हेटर्स बातें करते हैं, और ये बंदा सितारा के व्लॉग में आने के लिए इस कदर पागल हो चुका है कि कुछ भी करेगा, लेकिन सितारा भी जो है ना वो इन्हें अपने व्लॉग में नहीं लेती। अब जब सितारा नहीं लेती तो फिर इसकी कोई ना कोई वजह होगी, हर बात पे हर व्लॉग में ये इंस्टिगेट करते हैं हेटर्स को कि सितारा बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी बातें लाऊंगा। भाई कौन सितारा को, अभी कोई ऐसी बात नहीं हो रही सितारा की, वो जो आप जिस टॉपिक की तरफ जाना चाह रहे हैं वहाँ पे अभी उस टॉपिक पे कोई भी नहीं जा रहा, अभी उस टॉपिक पे इतनी कोई बात नहीं हो रही। अभी रिएक्शन की बात करें, अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं, डीडी का टॉपिक है, ये तीसरी बेटी जो जहरा आई है इनका टॉपिक है, या फिर ये जो वकार का है या फातिमा का है, इस किस्म के टॉपिक्स अभी चल रहे हैं। अभी वो सितारा के डीएनए वाले या सितारा की पिक्चर वाले या सितारा सलमा सितारा वाले कोई भी ऐसे टॉपिक जो है अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी उस बात को ना ड्रैग कर करके वापस ना लाया करें लोगों को याद दिलाने के लिए। आप सितारा के सपोर्टर नहीं हैं और मैं तो नहीं मानती इस बात को। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।